सो गाइज, ये हमारे पास केमिस्ट्री की बुक है। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें करना है एग्जाम के लिए। तो इसमें देखेंगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स जो भी हमारे आ रहे हैं या फिर न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज में। तो ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा पीरियोडिक टेबल, तो इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले कि जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ये थ्री ही पीरियड्स के अबाउट आपको स्टडी करनी है। मीन्स 18 तक जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हीं के ही अबाउट आपको क्या उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि भी उनका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, उनके मास की नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ ओनली 18 तक। ओके, ये पीरियड थ्री में। इसके आफ्टर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज करनी है, जैसे ग्रुप वन हो गया हमारा एल्किली मेटल किसे कहते हैं, और 17 हैलोजन्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के भी हैलोजन्स क्या होते हैं हमारे, जो भी हमारे सोल्ट फॉर्मिंग होते हैं जिनसे भी एलिमेंट से हमारा सोल्ट फॉर्म होता है वो सभी हैलोजन्स होते हैं, कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, 17 ग्रुप में लाई करते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और फिर हमें इसकी प्रॉपर्टीज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टीज करनी है, ये और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की भी एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है कि अगर हम इसमें चलते हैं भी लेफ्ट टू राइट हम पीरियड्स में चलते हैं या फिर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो किस टाइप से वेरिएशन होता है, मींस चेंज होती है साइज, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, इन सभी के अबाउट आपको करना है। तो ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भी किसके चेंज होने से लेफ्ट टू राइट या अप टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हमारा किस तरीके से चीज़ें चेंज होती है। तो ये सभी अच्छे से कर लेना आपको करेक्टर, और सिंपल ही है ये। तो इस पर हमने लेक्चर एक आपको बताया था, तो उसका सभी का लिंक जो भी हमने केमिस्ट्री में अभी तक डाले हुए हैं सभी लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन सभी को देख सकते हैं। तो इसमें इतना डिटेल मत करना आप, सिर्फ ये आपको प्रॉपर्टीज़ करनी है, फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हो जाता है बस, अगर आप ये कर लेते हैं तो बस इनफ है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कुछ देखो, ये क्वेश्चन हो गया जैसे अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, सिंपल क्वेश्चन ही इसमें से पुटअप किए जाएंगे आपसे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे, और जो भी पी वाई की क्वेश्चन है वो सभी आपको कर लेने हैं इसमें। ये सभी क्वेश्चन आपसे बोलता है। अब आपको देखना है इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है भाई, केमिकल, इसका चैप्टर नंबर टू है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्या करना है, सब हमारी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट या कोवैलेंट बॉन्डिंग है हमारे पास। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग में हमें क्या करना है अभी, कैसे ये बॉन्डिंग फॉर्म होती है और ये क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, ये सिंपल डेफिनेशन। और फिर आपको देखिए इनका डॉट स्ट्रक्चर करना है, NaCl का डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जैसे ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर है ऐसे हमें डॉट स्ट्रक्चर करना है, तो ऑर्बिट स्ट्रक्चर आपको नहीं करना, हमें करना है इसका डॉट स्ट्रक्चर के भी, कैसे हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं NaCl के लिए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको करना है NaCl के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है आपको, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका, तो कैसे फॉर्म करता है MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है ओनली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नहीं करना आपको। ओके, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे भी कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, हम कहाँ पर फॉर्म होता है, तो हमेशा ये किसमें होता है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड, ये होता है हमारा टू नॉन मेटल्स के बिटवीन, जैसे यहाँ पर ClCl के बिटवीन H2, ये सभी क्या बनाते हैं कोवेलेंट। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें फॉर्म होता है, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड तक ही जाता है। तो इसमें फिर हमें करना है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये नॉन पोलर नहीं करना आपको, सिर्फ करना पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जैसे आपको करना है ये हमारा HCl कैसे फॉर्म हो रहा है इसमें, कंडीशन फॉर द क्या है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इसको देख लेना आपको। और फिर इसमें आगे चलते हैं हम, ये स्ट्रक्चर हमें गिवन किए हैं कि भी हाइड्रोजन नॉन पोलर वाले नहीं करने आपको, सिर्फ पोलर वाले करने हैं। प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कोवेलेंट, इसको आपको देखना है कि भी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट की और कोवेलेंट की, इनमें कंपैरिजन और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये सभी को पता है आपको, हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड हमारे स्ट्रॉन्गर होते हैं। फिर इसमें आगे बस इतना कर लेते हो, सफिशियंट है। फिर आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको में क्या करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको करना है ये फॉर्मेशन ऑफ H3O+, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये पता होना चाहिए आपको, ये लोन पेयर स्ट्रक्चर जो है इसका। एंड फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन एक बार देख लेना आपका भी अमोनियम आयन, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये देखना है आपको।
ये सिंपल है इसमें। फिर हम बात करते हैं इसके थर्ड चैप्टर में क्या करना है आपको, एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टी कि भी कैसे होते हैं हमारे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें करनी है कि बेसिस क्या है, एसिड क्या है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है। इसका इंट्रो पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एसिड एसिड क्या होते हैं, कॉमन एसिड कहाँ यूज किए जाते हैं, सब नेचुरल अकरिंग एसिड हो गए हमारे, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑर्गेनिक, ये आप मत करना इसमें, इसको छोड़ सकते हो। फिर आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ एसिड वगैरह नहीं करना आपको, क्या करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा, टेस्ट कैसा होता है, श्योरिन टेस्ट होते हैं, फिजिकल स्टेट कैसे होते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑन स्किन, ये सब इसके फिजिकल। और केमिकल चेंज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे देता है एसिड और बेस कंबाइन कर न्यूट्रलाइजेशन देते हैं। फिर आता है इसमें क्या हमारा, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये सभी आपको जरूर देखने हैं इसमें। और ये आ गया हमारा डीकम्पोजिशन सल्फाइड एंड बायसल्फाइड, डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड, ये इंपॉर्टेंट है जो भी हमने आपको मार्क किए हुए हैं। फिर बेसिस की बात करते हैं, वही बेसिस में भी हमारा ये बेसिक ऑक्साइड क्या है, एल्किलीज क्या है, ये सभी आपको करना है यहाँ पर। क्लासिफिकेशन आप नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सभी आपको करने हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आपके लिए मार्क किए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको करनी है इसकी। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपल आप इसमें बस क्या कर सकते हो, फॉर्मल डेफिनेशन इसमें देख सकते हो। फिर यहाँ पर आ गया हमारा बेस एंड यूज नहीं है। फिर टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी मीन्स पीएच के अबाउट आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है एंड पीएच क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, सिंपल इसको रीड कर लेना है आपको। तो यही सभी हमारा इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें, सिंपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे इसमें, ज़्यादा आपको टफ नहीं करना। सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, अभी सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन में आपको ये सॉल्ट स्टार्टिंग वाला, और फिर यहाँ पर हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, नॉर्मल एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट ही आपको करना है, नॉर्मल एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट करना है, ये सभी आउट ऑफ सिलेबस, ये नहीं आता हमारा। फिर हम आगे बात करते हैं, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ इंसोलेबल सॉल्ट कि कैसे इंसोलेबल सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है, जैसे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड एंड बाय द प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है, ये सभी प्रेसिपिटेशन, सॉरी, ये करना है आपको, सिल्वर क्लोराइड एंड बाय कार्बोनेट्स, ये कर लेना है आपको, सिंपल है इसमें। कार्बोनेट्स एंड सिल्वर ये आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इसको, आप इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करना आपको। फिर बात करते हैं इसमें क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड सॉल्ट सॉल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये आ गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया इसका, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया हमारा, तो इन सभी को आप मार्क कर लें, ये सभी आपको करना है, और इसको और सभी को आप स्किप कर सकते हो इसमें, इतना करोगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जो हमें करने हैं। अब इसमें सी वाला पार्ट तो हमारा आता नहीं है, ये वाला हमारा नोट इन सिलेबस है, तो इसमें से कुछ नहीं करना है आपको, और एक बार एक्सरसाइज जरूर देख लेनी है आपको। अब इन सभी में से न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 आ गया हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी कलर एंड द सॉल्ट एंड देयर सॉल्यूशन, तो इसमें आपको कलर देख लेने हैं अभी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर हो गया क्यूप्रिक हो गया, फेरिक हो गया, इनके कलर आपसे पुटअप कर लेता है, अभी बताओ इसमें कलर क्या होगा, मैग्नीशियम मैग्नीज आयन हो गया, परमानेंट ये हो गया परमैग्नेट आयन, ओके, डाइक्रोमेट क्रोमेट, ये सिंपल, तो इसका सिंपल क्या कर लेना आप, इंट्रो देख लेना। फिर इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि भाई ये वाला चार्ट जो है आपका, भी कैसे कैल्शियम सोल्ट और एल्कली रिएक्ट करते हैं, मीन्स ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया इसका सोल्ट, कैल्शियम सोल्ट इसका रिएक्शन क्या होता है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही सेम ये वाला चार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इनमें से आप कर सकते हो। अगर आपको क्या लगता है, डर लगता है इन केमिकल रिएक्शन से, तो इसमें से कुछ सम इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो, सभी को स्टार्टिंग वाले कर सकते हैं आप इसमें, कि मोस्टली बच्चे डरते हैं रिएक्शन को याद करने से, क्योंकि वो रटते हैं, रटने में और समझ कर रटने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए अगर आप उनको समझ लेंगे तो एक बार अच्छे से समझ में आएगा इसको। इस पर भी हम डिटेल लेक्चर डालेंगे आपको समझाने के लिए। एक्शन ऑफ एल्किली ऑन सर्टेन मेटल्स, ठीक है, एक्शन ऑफ एल्किली ऑन सर्टेन मेटल्स जैसे जिंक एल्युमिनियम और लीड, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, आपको देखने हैं। अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो चल जाएगा, लेकिन ये इससे पहले वाला जो चार्ट है उनको स्किप कर देते तो चल जाएगा ये दोनों, क्योंकि इसमें से कुछ ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, लेकिन ये वाला स्किप बिल्कुल नहीं करना है, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ओके।
अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, मोस्टली ऑक्साइड्स हमारे बेसिक होते हैं नेचर में। कुछ ऑक्साइड हमारे एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसमें आता है हमारा जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो बहुत एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। क्योंकि अगर आप इनको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बेस की तरह ट्रीट करेंगे, और बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो एसिड की तरह। इसको आपको याद रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हैं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। तो मोल कॉन्सेप्ट गैलोसाइक्लो एंड द एवोगाड्रो लॉ। तो गैलोसाइक्लो करना है आपको और एवोगाड्रो लॉ करना है, ये रिलेशनशिप से हमारा बन जाता है सिंपल। ये गैस इक्वेशन हो गई, ये करना आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इसके नॉलेज, और फिर आपको करना है गैलोसाइक्लो एंड द कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इस पर हमने लेक्चर डाला हुआ है कैसे इसमें सिंपल फॉर्मूला, मतलब सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे आप इसमें, जैसे ये न्यूमेरिकल्स गिवन किए हैं इस टाइप के सिंपल न्यूमेरिकल्स इससे पुटअप किए जाएंगे। तो आपको गैलोसाइक्लो और कंबाइनिंग वॉल्यूम करना है सिंपल, फिर इसमें करना है एवोगाड्रो लॉ, उसके सिंपल न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको। एटमोसिटी करनी है आपको इस सिंपल, एटमोसिटी क्या है, एवोगाड्रो लॉ एक्सप्लेन गैलोसाइक्लो। तो अब आपको इसमें आगे और क्या करना है, देखो इतना करने के बाद बस इतना कर सकते हो आप इसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स इससे। फिर आगे हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये पूरा कंप्लीट आपको करना है कि भी एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये सभी इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या है, मोलिकुलर वेट, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, ओके ये है हमारे पास। फिर हम नेक्स्ट करेंगे इसमें क्या कि मोल ऑफ एटम्स, एटम मोल ऑफ एटम क्या है हमारा, एंड फिर हम इसमें देखेंगे आगे फिर इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये करना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में से न्यूमेरिकल ज़्यादा आपसे पुटअप किए जाएंगे, या तो सिंपल आपको इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे हमारे, कि मैं सिंपल क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में लो कंजर्वेशन मास कैसे फॉलो हो रहा होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और सिंपल टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं। तो इसलिए इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला, ओके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी आपको कराया है, तो उन सभी को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस चैप्टर का। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं स्किप करना है। जैसे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, इसमें सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको कर लेने हैं कि भाई रिएक्टेंट साइड में कितना है हमारा मास और प्रोडक्ट साइड में कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस कर सकते हो। इसमें से सिंपल न्यूमेरिकल कर सकते हो, आप इसको स्किप भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट वाले चैप्टर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है आपको, देखो इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल हमारा क्या है इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस में कि भी सिंपल इंट्रोडक्शन के भी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स सम एग्जांपल्स लेने के बाद हमें क्या करना है इसमें कि भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसको आप स्किप कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट फिर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इनको देख सकते हो आप सिंपल। फिर आ जाता है इसमें हमारा जैसे कि भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड कैथोड इनको ये क्या होते हैं, तो एनोड कैथोड का डिफरेंस, आयंस क्या है सिंपल, ये बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या है, देखो ऑक्सीडेशन आपको करना है इंपॉर्टेंट है भी, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको देखना है, सम एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये आपसे पुटअप कर लिया जाता है। तो ये सिंपल है, फिर इसमें आप स्किप कर सकते हो इसको आगे, और ऐसा सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये लर्न होना चाहिए। तो सिंपल इसको लर्न करने की टेक्निक भी होती है, तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं, तो इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। तो अब इसमें देखेंगे क्या प्रिफ्रेंशियल और सिलेक्शन डिस्चार्ज ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रोड्स, ये वाला टॉपिक करना है इसमें। तो ये टॉपिक आप
कर भी सकते हैं, नहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बस आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर लें, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कर लें, इलेक्ट्रोलिसिस कर लें, एंड फिर ये आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, इसमें से आपका एक करना, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया, एंड फिर इसमें नेक्स्ट वाले पर ये वाला हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये हमारे सिलेबस में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं इसमें एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको सिर्फ किसका करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल करना है और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स नहीं करना है। तो इसमें रीजन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आयरन विद सिल्वर, सिल्वर और कौन सा आ रहा है हमारा, निकिल आ रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं और निकिल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आपको दोनों ही मेथड करने हैं कंप्लीट विद इक्वेशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आपको रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ओनली, इतना कर लेते हैं सफिशियंट है। फिर हम इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 मेटलर्जी। ओके, तो मेटलर्जी में सिंपल इंट्रो आपका, तो सिंपल इंट्रोडक्शन देखना है आपको कि कितना एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट कितना अर्थ क्रस्ट में रहता है, कितना एटमोसफेयर में रहता है, ये इसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जैसे अकरेंस ऑफ मेटल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक है अभी, अकरेंस ऑफ मेटल कैसे करते हैं, मिनरल्स एंड ओर्स में क्या डिफरेंस है, सिंपल डिफरेंस, और सम इंपॉर्टेंट ओर्स आपको करने हैं, जैसे ये वाले इसको स्किप कर सकते हो आप, ये वाले और आपको करने हैं किसके, एल्युमिनियम और आयरन और एंड जिंक और, इन सभी के आपको एग्जाम्पल भी आने चाहिए कि बॉक्साइट के फॉर्मूला क्या है, बॉक्साइट और का फॉर्मूला क्या है, मतलब ये भी बोलता है कि भाई एल्युमिनियम के ओर्स के नेम बताओ, जैसे बॉक्साइट, क्रायोलाइट, क्रोडियम, ठीक है, ये सभी क्या है, बॉक्साइट ओर है जिनसे हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम ओर है जिनसे हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, और मोस्ट पॉपुलर बॉक्साइट है हमारा जिससे हम एल्युमिनियम निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम करते हैं। तो ये इम्प्योर फॉर्म होती है, इससे प्योर एल्युमिनियम निकालेंगे, यहाँ से हम प्योर क्या निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, प्योर जिंक लेते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड, जिंसाइट, कैलेमाइन, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं जिंक ओर। तो वो आपसे इनका कॉमन नेम देकर आपसे इनसे फॉर्मूला बोल सकता है, फॉर्मूला देकर इनका कॉमन नेम बोल सकता है कि आप बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली टेबल तो बिल्कुल आपको घोल कर पी जानी है, इसमें से जरूर क्वेश्चन पुटअप होगा। फिर हम सेकंड पर आते हैं, इसमें सेकंड वाला आता है, इसमें स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं एक्सट्रैक्शन में, कि भी और फिर उसकी क्रशिंग या ग्राइंडिंग करते हैं, कंसनट्रेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन करते हैं, या रिडक्शन, रिफाइनिंग, और फिर हमें प्योर मेटल मिलता है। तो ये सभी जो इसमें हमारे पास स्टेप्स, जैसे सबसे पहले आता है इसका ड्रेसिंग, कंसनट्रेशन ऑफ ओर। ओके, तो ड्रेसिंग में आपको क्या करना है, एक तो हाइड्रोलाइटिक वॉशिंग करना है, एक मैग्नेटिक सेपरेशन करना है, और फ्रोथ फ्लोटेशन करना है। ये तीनों मेथड आपको सीखने हैं, सिंपल मेथड है, इनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आ जाता है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड। फिर हम ऑक्साइड को इसके मतलब ओर को इसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, या तो रोस्टिंग, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ओर को हाई टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या करते हैं, बर्न करते हैं, रोस्ट करते हैं। फिर आता है कैल्सिनेशन। ओके, तो या तो हम रोस्टिंग का यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी है कि इफ एन ओर इज अ कार्बोनेट और अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये अगर वो कार्बोनेट ओर है या फिर क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म में, तब हम क्या करते हैं इसको इन एब्सेंस ऑफ एयर बर्न कर किया जाता है, उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। फिर आता है हमारा रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो यहाँ पर ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ये आ जाता है सिंपल रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल में आपको क्या करना है सिंपल, तो इसमें आपको क्या करना है भाई, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल में जैसे कि मेटल्स इन द मिडल्स ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज जिंक, आयरन, लीड, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको सभी को स्किप करो, सिर्फ यहाँ से आपको रीड करना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। आयरन, लीड, कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेंड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, तो फिर इसमें करना आयरन ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सभी करने हैं। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल करनी है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में डिस्टिलेशन, लिक्विएशन एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये है सिंपल इसमें। फिर हम देखेंगे इसमें आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम क्या है भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम कैसे करते हैं, बेयर्स प्रोसेस क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक
रिडक्शन ऑफ फ्यूज एल्यूमिना क्या है, ये दोनों प्रोसेस, एक तो बेयर्स प्रोसेस और फिर क्या है हेल हेरोल्ड प्रोसेस, ये सभी आपको दोनों प्रोसेस आपको करने हैं, दोनों प्रोसेस आ रहे हैं हमारे। तो ये प्रोसेस के लिए बस आपको ये करना है और बस आप इतना ही इसमें कर सकते हो सिंपल। ये दोनों प्रोसेस इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में इंपॉर्टेंट है बस, इसमें और नहीं करना आपको कुछ भी। फिर इसमें एलॉय, एलॉय वाले में आपको क्या करना है अभी, पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉय क्या है, एलॉय किसे कहते हैं, ठीक है, इसके सम कॉमन एलॉयज हैं उनको आपके बारे में पढ़ना है आपको उनको। तो जैसे ये फर्स्ट है हमारे पास ड्यूरालमिन एन या फिर स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज एन, सोल्डर और फ्यूज मेटल, ये इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं जो आपको करने हैं। एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंट एलॉय हो गया, आयरन का, जिंक का एंड लेड, ये सभी इंपॉर्टेंट एलॉय हैं हमें जो करने हैं बस। तो 7 चैप्टर में इतना है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 7, और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। तो बस आप इसको प्रिपेयर करना है आपके एग्जाम के लिए, अगर आपके प्री बोर्ड से तो प्री बोर्ड में भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं और बोर्ड में तो आपको ये करना ही है। ओके, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।